नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लोरोड कस्टमर सपोर्ट टीम क्यों नहीं रखता। आप कहोगे कि कस्टमर सपोर्ट टीम तो है, हम कॉल रिक्वेस्ट डालते हैं, वो कॉल करते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन मीशो की तरह कस्टमर सपोर्ट टीम क्यों नहीं रखता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लोरोड को करनी चाहिए, लेकिन वो करेगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जैसे रीसेलर की क्या राय रहेगी वो आप कमेंट करके बताना। और ग्लोरोड हर वीडियो को हमारी को देखता है, अगर आप उन्हें सजेशन दोगे इस बारे में तो वो ज़रूर उसको अप्लाई करेंगे। अब भाई बात क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हमें कोई इशू आता है ग्लोरोड एप्लीकेशन के अंदर, प्रोडक्ट रिटर्न करना है, रिफंड करना है, पेमेंट इशू, इसके अलावा कोई भी इशू आता है, तो हमें चाहिए कस्टमर सपोर्ट टीम जिससे हम कॉल लगाएं और बात कर सकें, अपने इशू को डिस्कस कर सकें। तो आप कहोगे कि अगर उनका कॉल सपोर्ट नंबर नहीं है तो आप उन्हें मेल भी तो कर सकते हैं, उनकी मेल आईडी है। देखो, इंडिया में हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि अच्छे से मेल कर सके, लेकिन आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप किसी भी कंपनी को मेल हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वो प्रॉपर आपको रिप्लाई करेगी। आप हिंदी में मेल राइट करके सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू कब आता है, जब आप मेल तो हिंदी में लिख रहे हो, वो समझ भी रहे हैं, लेकिन उनका रिप्लाई इंग्लिश में आएगा। और लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है या इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है, वो लोग समझ नहीं पाते, तो उनको इशू आता है। उनको चाहिए एक कॉल सपोर्ट टीम जिसको वो कॉल करें और कॉल करने के बाद अपने इशू को उनके साथ डिस्कस करें और सॉल्व करें। लेकिन ग्लोरोड में वो कॉल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो क्या कॉल पर बात नहीं होती? हाँ, होती है कॉल पर बात। क्या प्रोसेस है? आपको कांटेक्ट में जाना है और कॉल रिक्वेस्ट डालनी होती है। कॉल रिक्वेस्ट डालने के बाद उनकी टीम की तरफ से कॉल आता है और आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन एक इशू, मोस्टली जो लोग जिस मोबाइल नंबर से ग्लोरोड में रजिस्टर किए हुए हैं या किसी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन में रजिस्टर किए हुए हैं, वो या तो उस नंबर को व्हाट्सएप बना देते हैं, वो उस नंबर को कॉलिंग नंबर नहीं रखते। क्योंकि अगर कॉलिंग नंबर रखेंगे तो सभी रीसेलर्स के पास या सभी जितने कस्टमर हैं आपके पास, उनको वो नंबर मिल जाएगा, वो बार बार कॉल करके आपको परेशान करेंगे। इसलिए आप लोग क्या करते हो, उस पर इनकमिंग बंद करके रखते हो, या वो नंबर ही बंद करके रखते हो, या इनकमिंग बंद करते हो। इस वजह से क्या होता है, जब आप ग्लोरोड में कॉल रिक्वेस्ट डालते हो तो उस नंबर पर कॉल तो आती है, लेकिन वो नंबर तो आपने बंद करके रखा है, उसकी इनकमिंग क्लोज करके रखी है, तो उनसे बात नहीं हो पाती। अब दूसरा कॉलिंग नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, पहले आता था लेकिन अब नहीं आ रहा, तो कॉलिंग का इशू रहता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये कॉलिंग सिस्टम लगा दें, एक कॉल सपोर्ट टीम, कस्टमर केयर टीम लगा दें, तो इनको बेनिफिट रहेगा या लॉस होगा? देखो, मान के चलो कि मीशो का एग्जाम्पल लें, मीशो को कॉल लगाती हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मीशो की जैसी टीम किसी की भी नहीं है। तुरंत कॉल लगता है, कॉल लगाते ही और तुरंत बात होती है, मतलब ना पेंडिंग में जाएगा ना वेटिंग में जाएगा, कॉल कभी भी तुरंत बात होती है। लेकिन एक बात याद रखो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है ये कॉल सेंटर बनाने में। मान के चलो ये अगर 100 लोगों की टीम एक बनाते हैं कॉल सेंटर के लिए, 100 लोगों की टीम बना के एक ऑफिस लेते हैं और वहाँ पे आप लोगों से भी वो 100 लोग बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब मान के चलो उन 100 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये भी सैलरी देंगे, क्योंकि ये एवरेज सैलरी है कॉल सेंटर वालों की, तो 10-10 हज़ार रुपये भी सैलरी देंगे तो 10 लाख रुपये महीने की सिर्फ और सिर्फ उन कॉल सेंटर की सैलरी देनी पड़ेगी। प्लस जहाँ पर उनको रखेंगे, पूरी टीम बनाएंगे, तो उस स्पेस का किराया देंगे, उस जगह का किराया देंगे, प्लस पूरा फर्नीचर, प्लस लैपटॉप कंप्यूटर, एसी का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, बहुत सारे खर्चे हो जाएंगे। एवरेज संभालें तो लगभग 20 लाख रुपए महीने का इन पर बर्डन आ जाएगा। 20 लाख रुपए महीने पर ये निकालेंगे कहाँ से? ये क्या करेंगे, ये सप्लायर पर चार्ज लगाएंगे। सप्लायर पर चार्ज लगाएंगे तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर उस चार्ज को प्रोडक्ट पर लगा देगा, तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। फिर सभी लोग वही बात बोलने लगेंगे कि मीशो प्रोडक्ट महंगे करता जा रहा है, और सेम टू सेम ग्लोरोड अपने चार्जेस बढ़ाएगा, ग्लोरोड ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस करेगा तो ग्लोरोड भी अपने चार्ज बढ़ाएगा। फिर आप सभी लोग बोलोगे कि दोनों में एक जैसे चार्ज हो गए हैं और हर प्रोडक्ट की रेट महंगी होती जा रही है। तो एक तो ये इफेक्ट होगा इस चीज़ का कि अगर कस्टमर सपोर्ट टीम वो रखते हैं तो जो 20 लाख रुपए उनका महीने का खर्चा आएगा, वो प्रोडक्ट की रेट हाई हो जाएंगी, क्योंकि वो खर्चा
हमेशा उन्हीं से वसूला जाता है जो सप्लायर होते हैं, जो सेलर होते हैं, और सेलर अपने खर्चे को प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हैं। अब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, ये तो भाई इशू हुआ। दूसरा कि बहुत सारे रीसेलर की जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वो रीसेलिंग बंद कर देती हैं, और रीसेलिंग अगर इंडिया में करनी है या इंडिया में कोई भी बिजनेस करना है तो कॉल सपोर्ट नंबर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा सभी की नीड है इस चीज़ के लिए। कभी कभी लोग रिक्वेस्ट भी डालते हैं फिर भी कॉल नहीं आता, ऐसा इशू भी मैंने बहुत बार लोगों के मुँह से सुना है। तो इन्हें एक काम करना चाहिए, इन्हें कॉल सपोर्ट नंबर में एक ऑफर करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं जिसपे आप कॉल लगवाना चाहते हैं जिससे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। और आप अगर ऐसा करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें भी फायदा होगा, या आप एक छोटी सी टीम बना सकती हैं, उस टीम में जैसे कि ज़्यादा लोगों की मत बनाइए, 10 लोगों की कस्टमर सपोर्ट टीम बना दीजिए, वो कभी भी हमसे कॉल पे बात कर सकें, तो ऐसा कर सकती हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे आप लोगों की क्या राय है कि इनको क्या करना चाहिए कॉल सपोर्ट के लिए, आप कमेंट करके बताइए। और जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग और अर्निंग एप्लीकेशन है उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखे हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर आप कमेंट करना, जिससे कि ग्लोरोड वाले जब इस वीडियो को देखें तो वो आपकी राय को देखें और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके बेसिस पर निकाला जाए। और बाकी का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, जिससे ऐसी वीडियो की अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।